जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, हम इसे मैनेजर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजर भी कह सकते हैं। अब फंक्शंस की बात की गई है तो सबसे पहले हमें फंक्शन को समझना होगा कि फंक्शन होता क्या है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम लोग क्योंकि हमें यहाँ पर दो चीज़ पढ़ेंगे, एक फंक्शंस पढ़ेंगे और एक हमारा सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी पढ़ेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, हमें एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एक कार का एग्जाम्पल लिया, तो कार के दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फंक्शन और एक होता है उसका जो सर्विसेज होती हैं। तो फंक्शंस क्या क्या होती हैं, फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि उसके अगर वो उसका जो ऑटो ड्राइविंग मोड उसमें अवेलेबल है, उसके जो शीशे वगैरह हैं वो हम बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एयर कंडीशनर उसमें लगा हुआ है तो वो क्या है, फंक्शन है। लेकिन सर्विसेज क्या है, सर्विस हमारा जो कार प्रोवाइड करती है वो ट्रेवलिंग प्रोवाइड करती है। तो इससे आप जो फंक्शंस और सर्विस में डिफ्रेंशिएट करके आप एक नॉर्मल लाइफ से जब कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कि वहाँ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। अब हम ये तो समझ गए कि फंक्शन और सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हो गए। कभी कभी आपसे अगर 5 नंबर में पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड फंक्शन, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आता है वो हमारा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को हम एक तरह से यहाँ से कह सकते हैं, जो प्रोसेस मैनेजमेंट जितना प्रोसेस हमारा होता है वो हमारा सीपीयू के अंदर होता है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सीपीयू मैनेजर, हम यहाँ पर सीपीयू मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। शेड्यूलिंग प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयूज, मतलब जो प्रोसेस होने हैं उनको शेड्यूल करना है, और जो थ्रेड्स, मतलब थ्रेड्स का मतलब यहाँ पर बात की गई है जो हमारे वर्चुअल कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं सीपीयू में, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसको सीपीयू क्या करता है, मैनेज करता है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, मतलब क्रिएट और डिलीट बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। एक हमारा होता है यूजर प्रोसेस, एक हमारा होता है सिस्टम प्रोसेस। तो मतलब ये सिस्टम प्रोसेस को भी क्रिएट डिलीट कर सकता है और यूजर जो प्रोसेस होता है उसको भी ये क्रिएट और डिलीट कर सकता है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना, किसी प्रोसेस को रिज्यूम करना, वो भी यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कही गई, ये यहाँ पर जब कई सारे प्रोसेस सीपीयू में, मतलब जो कई सारे वर्क एक साथ फाइलें ओपन होती हैं या कई सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं सीपीयू में, तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। तो वो कई सारे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर देता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर ये है कि ये एक तरह से प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। दूसरा जो हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विथ मेमोरी मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज एंड बाई होम। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर यह कहना है कि जब मेमोरी का यूज होता है तो कौन सा पार्ट, कितना पार्ट और कहाँ से कहाँ तक वो यूज हो रहा है, तो उसका सब ये मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है ये ट्रैक रखता है और उसको मैनेज करता है। Deciding which processes and data to move into the out of memory, ये decide करता है कि कौन सा process, कौन सा data move करेगा out of memory में। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर क्या है कि manage करता है हमारा memory management system जो होता है, ये भी यहाँ पर देखता है। Allocating and deallocating memory space as needed, मतलब कि ये जो मेमोरी का स्पेस होता है उसको भी ये एलोकेट और डी एलोकेट करता रहता है जैसे हमारी ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे हमारा जो ज़्यादा होता है वो हमारा होता है डिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट का हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ बात की गई है। फ्री स्पेस
फ्री स्पेस मैनेजमेंट इन डिस्क, जो हमारा फ्री स्पेस होता है कि कौन सा स्पेस फ्री करना है, तो ये भी यहाँ पर मैनेज करता है। स्टोरेज एलोकेशन इन डिस्क, जो स्टोरेज एलोकेशन होता है उसको मैनेज करता है, और डिस्क शेड्यूलिंग भी ये करता है। ये सब चीज़ें हमारी आती हैं एक तरह से मेमोरी मैनेजमेंट में, तो ये चीज़ें हमारी हो गई मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है ये भी हम यहाँ पर समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। यहाँ पे बताया गया कि जो किसी भी फाइल का क्रिएशन या डिलीशन भी ये मैनेज करता है, जो हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज टू ऑर्गेनाइज फाइल, डायरेक्टरीज को भी हमारे ये क्या करता है, क्रिएट और डिलीट करता है। सपोर्टिंग प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, बेसिकली यहाँ पे मैनिपुलेटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई फाइल या डायरेक्टरीज हमारे सिस्टम में होती है तो हम उसको रीनेम करते हैं, तो रीनेम करते हैं तो वो उसे हम बोलते हैं मैनिपुलेटिंग, हम उसको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैपिंग फाइल ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, जो फाइल्स होती हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज में कॉपी करना, स्टोर करना, शेयर करना, वो चीज़ें भी यहाँ पर ये क्या होता है फाइल मैनेजमेंट करता है। बैकिंग अप फाइल ऑन द स्टेबल स्टोरेज मीडिया, जो हमारे बैकिंग अप हम करते हैं, जो हम बैकअप करते हैं उसके लिए भी ये मैनेजमेंट होता है, इसके भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कई सारे हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट होते हैं, जैसे हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट नीडेड बाय वेरियस प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। देखिए हमने सिक्योरिटी की बात पहले भी की थी कि जो सिक्योरिटी होती है हमारा जो मैक का सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हमारा ज़्यादा सिक्योर होता है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। ये चीज़ें क्या होती हैं एक तरह से हमारे सिक्योरिटी पर्पस में आती हैं, ये हमारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट भी होते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।